आरएलडी को किसने दिया धोखा? अब क्या करेंगे जयंत चौधरी? भले ही कांग्रेस ने चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए तमाम विपक्षी दलों से हाथ मिला लिया हो, लेकिन वो अपने सहयोगी दलों को खास तवज्जो नहीं दे रही। इसका जीता जागता उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में तो देख ही लिया है, लेकिन अब राजस्थान में भी कांग्रेस का गठबंधन की पार्टी से टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां सपा से खटपट नहीं बल्कि आरएलडी से दरार की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने वैसे तो 56 प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन इन 56 सीटों में से एक सीट के प्रत्याशी का नाम देखकर आरएलडी मुखिया भी हैरान रह गए, क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल की मनपसंद सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। वो सीट है अनूपगढ़, जहां से कांग्रेस ने शिमला देवी नायक को कैंडिडेट घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक रालौद ये सीट कांग्रेस से मांग रही थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ने वाली जयंत की पार्टी इस बार 4 से 5 सीटों की मांग कर रही थी। रालौद, भरतपुर, अनूपगढ़, मालपुरा, उदयपुर वाटी और सरदार शहर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी। राजस्थान में जाट बाहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की चाह रखने वाली आरएलडी को कांग्रेस से बड़ा झटका लगा है। अंदर खाने चर्चा है कि जयंत चौधरी कांग्रेस के इस फैसले से परेशान हैं। वो जल्द ही ये मुद्दा कांग्रेस हाईकमान के सामने उठा सकते हैं। बहरहाल इस पर अभी तक आरएलडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में जयंत चौधरी का अगला रुख क्या होगा? क्या वो अखिलेश यादव की राह पर चलेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।